हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी एक लेजी पे यूजर है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपडेट आया है लेजी पे की तरफ से। क्या है वो अपडेट, आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले अगर आप नहीं जानते कि लेजी पे क्या है, तो दोस्तों ये एक बाय नाउ पे लेटर सर्विस है जिसमें आपको इस तरह का एक फिजिकल कार्ड मिलता है जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी यूज कर सकते हैं। अभी लेजी पे की सर्विस बहुत अच्छी हो गई है। ऑनलाइन मैक्सिमम मर्चेंट्स में लेजी पे के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट हो रहा है। तो अगर आपने अब तक लेजी पे की सर्विस के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप तुरंत प्ले स्टोर से जाके लेजी पे ऐप को डाउनलोड करके अपना वही नंबर और ईमेल एड्रेस देके साइन अप कीजिए जो आपके बैंक में रजिस्टर है, ताकि लेजी पे आपकी सिबिल स्कोर को फेच कर सके। और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपको अभी इस तरह का लेजी पे कार्ड मिल जाएगा। साथ ही आपको 500 से लेकर 2 लाख तक की कुछ भी लिमिट मिल सकती है, वो डिपेंड करता है आपका सिबिल स्कोर कैसा है। और अगर आप ज्यादा लकी हुए तो अच्छी लिमिट के साथ आपको QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप स्कैन एंड पे करके अपनी लिमिट को बैंक अकाउंट में बड़ी आसानी से ले सकते हैं। लेकिन ये स्कैन एंड पे फीचर अभी बहुत से यूजर्स को नहीं मिल रहा है, लेकिन जहां तक चांस है आपको लेजी पे का कार्ड जरूर मिल जाएगा। साइन अप करती आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा और अप्लाई करती आपके घर में फिजिकल कार्ड भी डिलीवर हो जाएगा। इस कार्ड के किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं है, बल्कि इस कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी कुछ भी पेमेंट करते हैं, कुछ भी शॉपिंग करते हैं, तो आपको 1% से लेकर 5% तक का कुछ ना कुछ कैशबैक जरूर मिलता है। तो अगर आपके पास लेजी पे कार्ड नहीं है या लेजी पे अकाउंट नहीं है तो तुरंत अप्लाई कीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या अपडेट आया है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये ईमेल लेजी पे की तरफ से आया है। ये ईमेल जिस यूजर को मिला है उसे बताया गया है कि अब आपका बिल 15 दिन की जगह 30 दिन में बनेगा और आप लेजी पे के इस फीचर के लिए एलिजिबल हो। धीरे धीरे सभी यूजर्स को लेजी पे की तरफ से इस तरह का ईमेल आ रहा है। अगर आपको अब तक नहीं आया तो जल्दी आपको भी मिल जाएगा। और जैसे ही आपको लेजी पे की तरफ से यह ईमेल मिलेगा तो आप भी 30 डेज की ग्रेस पीरियड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों लेजी पे से हमें हमेशा शिकायत रहती थी कि इसका पेमेंट हमें हर 15 दिन में करना पड़ता था, यानी कि लेजी पे की लिमिट को अगर आप यूज करते कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उस अमाउंट का आपको पेमेंट हर 15 दिन में करना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 1 तारीख को कुछ भी स्पेंड किया तो उसका बिल 15 तारीख को बन जाएगा। 14 तारीख को भी अगर आपने कुछ स्पेंड किया तो उसका भी बिल 15 तारीख को ही बन जाएगा। और 16 से 17 तारीख के बीच आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है। वही 16 तारीख को अगर आपने कुछ परचेज किया तो उसका बिल महीने के लास्ट डेट यानी 30 से 31 तारीख को बन जाता था। यानी कि कहने का मतलब है हर 15 दिन में आपको इस कार्ड के बिल का पेमेंट करना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही अनोइंग चीज थी। क्योंकि जितने भी बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज है वो सभी हमें 1 महीने का टाइम देते हैं। जब भी हम लिमिट को यूज करते हैं तो उसका बिल 1 महीने बाद बनता है, लेकिन लेजी पे में ऐसा नहीं था। हर 15 दिन में लेजी पे का बिल बन जाता था। तो बहुत से लोग इस कारण से लेजी पे को यूज करना नहीं चाहते थे, तो इसी पे लेजी पे ने एक अच्छा अपडेट दिया है। लेजी पे की इस अपडेट के मुताबिक अब महीने में 2 बार बिल नहीं बनेगा, अब महीने में केवल 1 ही बार बिल बनेगा। यानी कि अब आपको 30 डेज का क्रेडिट पीरियड टाइम मिलेगा, जो कि पहले 15 डेज था। लेकिन वह भी ठीक है, पहले तो 15 दिनों के भीतर ही पेमेंट करना पड़ता था, अब कम से कम पूरे 1 महीने का आपको फायदा तो मिलेगा। मेरे ख्याल से इससे लेजी पे के यूजर्स और ज्यादा बढ़ेंगे। जो लोग यूज नहीं कर रहे थे वो भी अब लेजी पे को यूज करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों यही एक अपडेट था जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज एक लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।